मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया, इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में, 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, क्या घोर कलयुग आ गया है। हर रावण अपने आप की तुलना राम से कर रहा है, केजरीवाल की भगवान श्री राम से तुलना हिंदू धर्म, सनातनी परंपरा और साक्षात प्रभु श्री राम का अपमान है। एक दारू प्रेमी, एक शराब प्रेमी, एक दारू के भ्रष्टाचार में आरोपी व्यक्ति की भगवान श्री राम से तुलना भगवान राम के विशाल स्वरूप और विशाल चरित्र का अपमान है। और ये कौन कर रहा है तुलना? कॉमरेड आतिशी मार लेना जी, हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं का अपमान करना बंद कीजिए। और रही बात कुर्सी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी व्यक्ति की कुर्सी नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी दिल्ली के लोगों की कुर्सी होती है, दिल्ली के लोकतंत्र की कुर्सी होती है, भारत के संविधान की कुर्सी होती है। वहां पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ। और शराब प्रेमी, दारू के भ्रष्टाचार में आरोपी व्यक्ति को तो तिबारा भी जेल ही जाना पड़ेगा, दोबारा नहीं, तिबारा बोला मैं, और परमानेंटली जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों के पैसों के साथ गड़बड़ की है, दारू में भ्रष्टाचार किया है, उसको भारत का कानून माफ नहीं करने वाला। और रही बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली के लोगों ने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने आत्मगौरव के लिए केजरीवाल जी को सत्ता से बेदखल करने का पूरा मन बना लिया है। और मेरा आग्रह कॉमरेड आतिशी मार लेना से ये होगा कि भगवान श्री राम का अपमान करना बंद करे, दारू प्रेमी और शराब प्रेमी से भगवान श्री राम की तुलना नहीं की जा सकती। ये हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं का अपमान है।